सो हेलो दोस्तों, आज के समय में लगभग हर जगह या फिर यूं कहें कि हर घर में आपको कार देखने को मिल जाएगी और आप आराम से कार खरीद या बेच सकते हो। सबसे पहले भारत में किसके पास कार थी ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में क्रॉम्पटन ग्रीव्स नाम के अंग्रेज के पास सबसे पहली कार थी, सन 1897 में खरीदी गई थी। ये भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिनके पास कार थी। भारत में सबसे पहली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर आई थी, ये कार भारत में ही निर्मित हुई थी। ये काफी हद तक यूके के मॉरिस एक्सपोर्ट पर आधारित थी। इसे मॉरिस मोटर्स के साथ तकनीकी सहयोग से कोलकाता में निर्मित किया गया था। ये पहली बार 1948 में निर्मित की गई थी। इसका सबसे पहले परिचालन गुजरात में हुआ था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।